चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ब्लॉक डबरा के ग्राम पंचायत बसंतपुर की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही है। महिलाएं घरेलू काम तक ही नहीं बल्कि और अब सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। गांव की महिलाएं ने हिम्मत दिखाते हुए छोटे छोटे ग्रुप में 10 से 12 सदस्यों की स्मृति बनाई, जो ग्राम बसंतपुर में 21 महिला का ग्रुप है। वही महिला ग्रुप को संगठित करते हुए अब भूमि महिला ग्राम संगठन बनाया, जिसमें अध्यक्ष मनासा सिरदार और सचिव कौशल्या माली, कोषाध्यक्ष रंजना सिरदार सहित कार्यकारिणी पदाधिकारी चुना गया है, जो गांव के चबूतरों में हर सप्ताह महिला समूह की बैठक होती है, जिसमें सभी सदस्य बैठक में हिस्सा लेते हैं। महिलाओं ने हर सप्ताह हर सदस्य से 20 रुपए जमा करवाती है, साथ ही खुद बचत करते हुए गांव के और स्मृति के जरूरतमंद लोगों की रकम देकर सहयोग करती है। पिछले 2 साल से महिला संगठन गठित करते हुए और राशि जमा करवाते हुए आत्मनिर्भर हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाकर समूह की महिलाएं ग्रामीणों को जागरूक भी कर रही है। देश में चल रहे COVID-19 कोरोना महामारी के बाद भी समूह की महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी ध्यान देते हुए गांव के जरूरतमंद लोगों को मदद करती है। देश में चल रहा COVID-19 के बचाव के बारे में भी महिला समूह के सदस्य घर घर जाके सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। मैं ग्राम बसंतपुर के निवासी हूँ। हमन महिला संगठन बनाए हन और 21 समूह के योजना करे हन, जेमे हमन सब कोई घर घर जाके कोरोना वायरस के बारे में भी समझात हन कि हाथ को बार बार साबुन से मतलब धोआ करके और शौच से आए के बाद साबुन से हाथ धोआ, खाना खाए के पहले हाथ धोआ बोला थन। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में गांव में रहने वाले ग्राम वासी मल्ला समझात हन। और मेरा नाम संतोषी माली है, मैं ग्राम बसंतपुर की हूँ। हमारे बचत की जो योजना है वह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में तो है ही, साथ ही समूह को भी आगे बढ़ाने की हमारी प्रयास है। जहाँ तक हो सके हम आगे आए सभी क्षेत्र में और बढ़कर दिखाना चाहते हैं, और कोरोना वायरस के भी बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूर दूर से रहें, समय समय पर हाथ धोएं और सुरक्षित रहें, ज़्यादा भीड़ ना लगाने के भी। मैं रविशंकर पटेल है, मैं ग्राम पंचायत बसंतपुर का सरपंच हूँ। हमारे गांव की जो महिलाएं हैं आगे बढ़ते हुए एक गांव में छोटी छोटी समूह बनाकर 21 समूह इन्होंने बनाया है, और अभी जो है कोरोना काल में इन्होंने हमारा बहुत ही बड़ा सहयोग किया है। इन्होंने गली गली में गांव में हर एक बच्चे बुजुर्ग को उन्होंने समझाया कि जहाँ भी जाते हो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, बार बार हाथ को धोइए। और गांव के विकास में भी ये लोग अहम भूमिका निभाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में भी अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी और माता पिताओं को भी प्रेरित कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को विद्यालय भेजें और उन्हें पढ़ाएँ और उनका उज्ज्वल भविष्य बनाएँ। और बहुत ही अच्छा संगठन है हमारे गांव की इन महिलाओं का। लगभग इनके समूह में कुल 170 से 200 करीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और आशा है कि इनका समूह जो है निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और गांव में और इनका समूह जो है विकसित हो।